स्वागत स्वागत है वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर। तो ये है क्लास ट्वेल्थ का। तो आज हम देखेंगे कि आप कैसे इसमें आसानी से जो कि 40 अंक आसानी से जो कि ले सकते हैं। तो ये हमारा प्री बोर्ड का पेपर है और इसके मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जो कि हमारा 24 तारीख से होने वाला है, मार्च में ही जो कि हमारा 24 तारीख से होने वाला है, तो उसमें आप कैसे जो कि आसानी से 40 अंक जो कि प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल और पर क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि इसमें वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर और इसमें समझते हैं कैसे आप जो कि 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा वो टोटल हमारे चार जो कि सेक्शनों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है हमारा रीडिंग एंड दूसरा हमारा जो है वो है हमारा राइटिंग, ठीक है। दूसरा हमारा राइटिंग है एंड तीसरा जो है हमारा वो है हमारा ग्रामर से, ठीक है। और जो हमारा चौथा है डी से लिटरेचर से, ठीक है। तो ऐसे जो कि हमारे जो कि चार पार्ट में जो कि डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको कैसे जो कि आसानी से जो कि लेना है, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो हमारा ये पे पहला दिया हुआ है कि रीडिंग में जो कि हमको इसमें पढ़ के और इसका जो कि आंसर देना है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कैसे जो कि आंसर पूछते हैं। देखिए इसमें पैसेज जो कि कैसे दिया हुआ है, देखिए इतना बड़ा जो कि हमारा पैसेज दिया हुआ है और इसी में से आपको जो कि क्वेश्चन को खोजना है, ठीक है। यहाँ पे जो कि पहला आपका जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी 3 नंबर का, तीसरा भी 3 नंबर का और चौथा भी 3 नंबर का, और फिर ये एक ही नंबर के जो कि आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें कितना नंबर जो कि मिल जाएगा, ठीक है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, ठीक है। 15 नंबर अगर आप इसको पूरा बढ़िया से कर देते हैं, मतलब कि आपको कुछ अगर ना भी आए, ठीक है, तो भी आप बस इसमें जो कि देखिए कि इसमें आपका कोई भी एक जो कि पार्ट मिल रहा है तो उसी को अगर आपको इसमें मिल जाता है पैसेज में, तो उसको आप बस केवल यहाँ से देखिए और वहाँ से जो कि उतार दीजिए, ठीक है। 2 लाइन 3 लाइन आप वहाँ से उतार दीजिए, ठीक है, तो भी आपको इसमें नंबर जो कि मिल जाएगा। कैसे भी करके आपको ये अगर 15 नंबर का है, आपको इसमें कम से कम 12 नंबर तो आसानी से जो कि मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आसानी से जो कि कर लेना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको जो कि इसमें 12 नंबर आसानी से जो कि मिल जाएगा। अब जो हमारा आ जाता है दूसरे में, ठीक है, तो देखिए सेक्शन बी में हमारे क्या आता है कि राइटिंग। राइटिंग में आपको जो कि मैंने बताया था कि एसे, ठीक है, तो ये भी एक एसे ही टाइप में है, ठीक है। राइटिंग में आपको इसमें जो कि देखना है, तो देखिए इसमें दिया गया है कि कामिनी और करण, ठीक है, इन दोनों को मतलब कि ये कर्ता हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को हिले करके, ठीक है। और राइटिंग आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है, डिस्क्राइबिंग किस प्रॉब्लम सोल्यूशन स्टूडेंट हेल्प पेरेंट्स टू कॉपी विद द प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें उनके जो कि प्रॉब्लम को इसमें जो कि लिखना है उनके बारे में कि उनके जो कि फादर्स जो कि कैसे जो कि प्रॉब्लम है और उनके जो कि बारे में लिखना है, ठीक है। तो ऐसे करके इनको जो कि लिख देना है, ठीक है। तो अगर आपको ये ना आए, ठीक है, तो भी आप अगर इसमें कुछ भी लिख देते हैं तो भी आपको ये जो कि नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो कि 10 नंबर का है, तो मान लीजिए अगर आप इसमें कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें 5 नंबर जो कि मिल ही जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं कि आपका ये जो हमारा आता है अगला, कि आपको इसमें से तीसरे और यहाँ पे जो कि और क्या आपको दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में आपको कोई एक करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इसमें जो न्यूज़पेपर वाला होता है एक एप्लीकेशन, ठीक है, इसको न्यूज़पेपर वाले को आप जो कि याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे जो कि कमेंट करिएगा, मैं इस पर जो कि वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो इस पर आपको जो कि 10 नंबर आराम से जो कि मिल जाएगा, ठीक है। पॉल्यूशन देखिए इल इफेक्ट ऑफ इंडोर गेम्स, ठीक है, इंडोर गेम्स के लिए जो कि एडिटर को जो कि लिखना है न्यूज़पेपर, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको जो कि लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए इस पर भी मान लीजिए आपको इसमें 8 नंबर तो आसानी जो कि मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको केवल लर्न करना है, ठीक है, और इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, ठीक है, बस आपको लर्न करना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगला जो हमारा है कि सेक्शन बी में, अगर आपको देखिए यहाँ पे जो कि ग्रामर में नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इन सबका मैंने आपको पहले से वीडियो जो कि प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो ये जो कि बहुत ही आसान होता है, और ये देखिए हमारे 2-2 नंबर के 1-1 हैं, ठीक है, और इसको करने में हमको केवल 5 सेकंड से जो कि कम ही लगेगा, ठीक है, 5 सेकंड केवल लगेगा इसको करने के लिए, और देखिए हमारा जो कि 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो कि अगला जो क्वेश्चन है कि इसको कंपाउंड में करना है एंड सिंपल में, ठीक है, दोनों में इसको ये आपको करना है, तो ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको अगर आप जो मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इसको आपको जो कि पूरा सॉल्यूशन जो कि ला दूंगा, ठीक है। तो ऐसे जो कि ये सब है, लेकिन अब देखिए अभी इसमें से आपको जो कि थोड़ा दिक्कत पड़ सकता है, ठीक है, आपको ये नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो कि दे दिया है हमारा दूसरे में सिनोनिम्स इंटोनिम्स, ठीक है, तो ये सब तो बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे आया था है कि यहाँ पे पूछ देता है कि इसमें से आपको जो कि आइटम्स एंड फ्रेज दे देता है, ठीक है, आइटम्स एंड फ्रेज, तो इसमें आपको जो कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि कहीं से भी पूछ सकता है,
और बस इसका आपको जो कि लिखना रहता है, एक सेंटेंस जो कि आपको बनाना रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आइटम्स एंड फ्रेज सेंटेंस एज मेक अ मीनिंग क्लियर, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो मीनिंग दिया हुआ है एट होम इन और ये ब्रिंग आउट और बैक सिप, ठीक है। तो ऐसे जो कि आपको दिया रहेगा और उसमें से एक को कोई आपको जो कि ले करके उसको सेंटेंस जो कि बनाना है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो कि दो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब ये हमारा आ जाता है जो कि ये सब जो कि है तो ये हमारा जो कि छूट भी सकता है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं ट्रांसलेट पे, ठीक है। ट्रांसलेट को आप देखिए आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रांसलेट बनाना नहीं आता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने इसको जो कि आसानी से जो कि सब कोई भी ट्रांसलेट आप ले लीजिए उसको मैंने बनाना वहाँ पे सिखाया है, ठीक है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा अगला लिटरेचर से। तो इसमें क्वेश्चन आंसर आप पूछेगा और क्वेश्चन आंसर आपको जो कि लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये जो कि क्वेश्चन आंसर एक भी लर्न नहीं है तो आप बस मुझे आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इस पर जो कि आसान तरीके से जो कि इसको क्वेश्चन आंसर को मैं जो कि प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान आसान जो कि क्वेश्चन है और ये हमारे जो कि 7 नंबर के हैं, ठीक है। ये हमारे जो कि हमारे आठ नंबर के इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 8 नंबर का है, लेकिन इसमें हमारा दिया हुआ है 4, ठीक है, मतलब 3 दिया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इसमें 3 दिया हुआ है। अब इसमें हमको केवल 2 करना है, वो भी हमारे 4 नंबर के, ठीक है। ऐसे आपको जो कि इसमें जो कि नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब कुल मिला के आपको तो लगभग जो कि 40 नंबर आसानी से जो कि मिल जाने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए अब 7वां में हमारा आया था लॉन्ग आंसर में, तो देखिए एक ही हमको केवल लिखना है और ये हमारा 7 नंबर का, ठीक है। तो देखिए गार्बेज वाला जो हमारा आया ये हमारा जो कि उसमें का है, ठीक है, एनी जंग में का, ठीक है। उन्होंने इसको लिखा है एनी जंग ने, उसी में का जो कि हमारा है, ठीक है, साहेब वाला, तो ये उसमें कहानी है। तो अगर आपको ये नहीं आता है, ठीक है, तो मैंने इसका जो कि पहले से वीडियो बनाया है, अब बस इस कहानी को अगर देख लेते हैं, कहानी को अगर पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप जो कि इसको आसानी से जो कि बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं आपको इसका जो कि क्वेश्चन आंसर जो कि प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बस आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे जो कि 8वां नंबर पर आ जाता है कि अभी हमारे जो कि पोएम से दे दिया है, ठीक है। तो इसमें हमारे दो दो नंबर के जो कि आप दिए हुए हैं, 2, 2, 4, 2, 6। अब देखिए हमारे 6 नंबर का ये भी है, इसी में से हमको केवल खोज के इसको लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें भी जो कि आराम से जो कि मिल जाएंगे नंबर, ठीक है। केवल आपको इसमें ना आए फिर भी आप इसमें से एक आध दो लाइन इसमें लेके करके लिख दीजिए, ठीक है, आपको इसमें जो कि नंबर मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था 9वें में ये हमारे 4 नंबर का है, ठीक है। माई मदर 66 पे मैंने आपको पहले से भी जो कि सेंट्रल आइडिया बना दिया है, अगर आपने उसे नहीं दिखाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से जो कि पढ़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। मैंने कीपिंग क्वाइट का भी बना दिया है, इसको भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें 2 बताया था कि माई मदर 66 और यहाँ पे एक दूसरा जो हमारा है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ठीक है। 2 पे आप केवल पढ़ लेते हैं तो आप जो कि इसमें आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे जो कि आ गया, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा आता है कि 10वें में हमारा क्वेश्चन आंसर आया था 8 नंबर का है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, ठीक है, मैं आपको इसको जो प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप बस मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो कि ये भी क्वेश्चन आंसर है, तो इसका भी मैं मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपको मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, और जितना भी मैंने आपको बताया लगभग आपका जो कि 30-40 नंबर जो कि आसानी से जो कि इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और आप ऐसे ही जो कि बोर्ड एग्जाम में भी जो कि लिख लेंगे। तो आपको इसमें कोई भी चीज़ अगर जो कि डाउट हो तो आप बस मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जो कि आपको क्वेश्चन आंसर भी जो कि प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप केवल मुझे एक बार जो कि कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारे ऑडियोज लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।